नमस्ते ओस्टोन कैपिटल फैमिली। आज हम लोग कल का मतलब 22 नवंबर का ट्रेडिंग प्लान करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स। आज तो निफ्टी का एक्सपायरी था, पूरा ही पूरा दिन फ्लैट गया, और सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है तो सेंसेक्स का भी देख लेंगे और बैंक निफ्टी का भी हम लोग चार्ट का एनालिसिस करेंगे और कहाँ पे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले आज हमने क्या किया वो हम देखते हैं। आज हमारे दो SL गए, बहुत दिनों बाद, मैं बोल रहा हूँ बहुत दिनों के बाद हमारे SL गए। तो आज SL हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी, हमने दो ट्रेड लिए थे, दोनों में हमारे SL गए थे। एक्चुअली आज मार्केट ही थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा था। एक तो बहुत सारे न्यूज़ आ गए थे, अदर जैसे अदानी ग्रुप का भी एक न्यूज़ आया है आज, US में उनको एलिगेशंस लगे। मेरा ओवरनाइट पोजीशन था उसको मैंने होल्ड किया था, तो वो वाला है पोजीशन, उसको मैं मंथली मतलब मंथ के एंड तक होल्ड करने वाला हूँ। इसको आपको मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, उसका थोड़ा अलग व्यू है। अभी उसके बाद फिर हमने दो ट्रेड किए थे निफ्टी में। फर्स्ट टाइम ट्रेड किया था 130 के अबव कॉल बाय करने के लिए, व्यू तो बराबर था बट आज एक्सपायरी थी, तो उन्होंने अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा मतलब मार्केट 9:45 से 3:30 तक पूरा का पूरा दिन ही साइलेंट के साइलेंट ही था। उसके बाद फिर हमने एक बार फिर से बैंक निफ्टी का एक बार कॉल दिया था, बट हो क्या रहा था आज वीक्स भी बढ़ रहा था और जो भी मार्केट के सिनेरियो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि SL जो थे वो बड़े बड़े थे, मतलब मार्केट में जो मूव्स आ रहे थे वो थोड़े बड़े बड़े थे, बट तो निफ्टी में हमारे 20 पॉइंट गए और बैंक निफ्टी में हमारे 30 पॉइंट्स गए। उस हिसाब से हमारे आज दो ट्रेड का SL लगा हुआ है, बहुत दिनों बाद हमारा SL लगा है। अभी चलते हम लोग कि कल क्या प्लान कर सकते। अभी ध्यान से आप देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ से मतलब 23,800 से मार्केट यहाँ तक आया है, पूरा शार्पली यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा है, ठीक है। अभी ये जो करेक्शन हुआ है इसको करेक्शन ही बोलते हैं। करेक्शन दो टाइप के करेक्शन होते हैं, एक तो प्राइस करेक्शन होता है और एक टाइम करेक्शन होता है। टाइम करेक्शन मतलब क्या होता है कि मार्केट जो है पूरा एक लेवल पे स्टेडी रहता है, जैसे कि आज डोजी डोजी ऐसे बना बनाते, इसको हम लोग टाइम करेक्शन बोलते हैं। अभी निफ्टी के फिर क्या क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो निफ्टी के दो तीन लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ये जो आप देखते हो इसको टाइम करेक्शन बोलते हैं। बैंक निफ्टी ने डे लो से पूरा का पूरा डे हाई तक रिकवर कर दिया था, जितना बैंक निफ्टी गिरा था, बट निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी भी थी आज, तो एक्सपायरी की वजह से मार्केट पूरा ही साइलेंट हो गया था। अभी लेवल्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 23,380 ऊपर का लेवल है और नीचे का लेवल है हमारा 23,300। मार्केट के ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अभी हमें कल क्या प्लान करना है, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 23,380 के ऊपर निकलता है तो हमारे लिए सबसे पहला टारगेट रहेगा 23,450, और उसके ऊपर हमारा सीधा ही टारगेट रहेगा 23,500 या फिर 5,55, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप होता है तो हमारे लिए सीधा ही टारगेट हमें मिलेगा 23,200, और उसके बाद फिर हमें सीधा ही टारगेट है 23,100। 23,100 है जो राउंड नंबर है, वो हमारे नीचे का सबसे टारगेट है। तो कल अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है 23,300 को, तो हमारे लिए सबसे पहले टारगेट रहेगा 23,200 और उसके बाद रहेगा 23,100। ये दो हमारे नीचे का टारगेट है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है और इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो 23,380, और ये हमारा ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,450 और उसके बाद रहेगा, सॉरी 24 नहीं, 23,450 और उसके बाद रहेगा 23,550। ये हमारे ऊपर के दो टारगेट रहेगा। गैप अप और गैप डाउन का थोड़ा अलग सीन रहेगा। गैप अप और गैप डाउन के टाइम पे मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, क्योंकि अभी जो मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से गैप अप और गैप डाउन का थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, अगर समवेयर 23,200 के आसपास, तो यहाँ पे से यहाँ तक बाइंग आ सकता है, बट वो पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर रहेगा। मैं आपको अभी भी नहीं बता सकता कि ऐसा हो सकता है, बट प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि वो टाइम पे मार्केट का प्राइस एक्शन क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप पर लाइव मार्केट के टाइम पे अपडेट्स वहाँ पे आते। अभी हम लोग सेंसेस का देख लेते हैं। सेंसेस के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि सेंसेस के चार्ट पे भी यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने 1600 पॉइंट का ड्रॉप किया है। अब ड्रॉप होने के बाद मार्केट क्या होगा यहाँ पे करेक्शन पे, लास्ट वाले आपने वीडियो में देखा था, मैंने बता दिया था कि ये जो है हमारा ये पूरा का पूरा बाइंग जोन है, क्योंकि इसको अगर मार्केट ब्रेक करेगा तभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो सेंसेक्स में तो कोई ट्रेड आज के दिन बना नहीं, कि मॉर्निंग के बाद फिर मार्केट पूरा ही दिन साइलेंट हो गया था, जैसे निफ्टी पेपर साइलेंट हो गया था। अभी सेंसेक्स के क्या क्या लेवल निकल के आ रही है, तो सेंसेक्स का सबसे ऊपर का जो लेवल है वो है 77,220, ये वाला जो ग्रीन लाइन है ये, और नीचे की जो लेवल है 76,800। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे, इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना, जो जो कि हमारा फ्लैट रेंज रहेगा। अगर मार्केट कल 77,220 के ऊपर निकलता है तो हमारे लिए सबसे फर्स्ट टारगेट रहेगा 77,500 और फिर उसके बाद रहेगा हमारा 77,900। ये हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा, यहाँ पे रहेगा 577। इसको भी कल मार्केट ब्रेक करते हैं तो सीधा ही हमारा ऊपर का टारगेट रहेगा 78,400, ये वाला सबसे ऊपर का हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। तो यही सिंपल सा बैन है सेंसेक्स में। सेंसेक्स में अगर कल गैप डाउन होता है या फिर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर 76,800 के नीचे ब्रेक करता है तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा 77,400,
और फिर सीधा टारगेट रहेगा 76,000, क्योंकि अगर मार्केट में सेलिंग इसके बाद भी आ रहा है तो मार्केट में बहुत मतलब ज़्यादा मार्केट ड्रॉप कर सकता है। गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा अलग सीन रहेगा सेंसेक्स में, निफ्टी का अलग सीन है क्योंकि निफ्टी के लेवल अलग निकल के आ रहे हैं, सेंसेक्स के लेवल अलग है। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के टाइम पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी रहेगा अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, गैप अप और गैप डाउन के टाइम पे। सेंसेक्स में हमारे दो ही लेवल है, 77,220 और नीचे का लेवल है 76,800। तो ये दो लेवल के बीच में हमें कुछ भी ट्रेड नहीं करना, नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे हमारा, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट, इसके नीचे निकलता है तो 76,400 और 76,000, ये हमारा नीचे के दो टारगेट है। अभी चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के लेवल्स थोड़े अच्छे निकल के आ रहे हैं। आपने अगर ध्यान से देखा तो बैंक निफ्टी ने डे लो से 1.5% का करेक्शन, मतलब 1.5% हमारा बैंक निफ्टी ऊपर आ गया है नीचे से। अगर आप अभी देख सकते हो कि अभी जो मंथली जो एक्सपायरी है उस हिसाब से जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो है 51,000, इसके ऊपर एक ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, और 50,000 इसके ऊपर एक ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो कि मार्केट में मंथ में इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी क्या लेवल निकल के आ रहा है, हम लोग कैसे कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लेवल है वो है 50,500, 50,500, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे की तरफ जो आप अभी जो करंट वाला लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल निकल के आ रहा है 50,280। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है अभी कल के प्लान के लिए। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद कल मार्केट इसको 50,550, देखो यहाँ पे 50,550, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 50,550। ये लेवल अगर ब्रेक करता है यहाँ पे तो हमारे लिए सीधा अल्टीमेट टारगेट रहेगा 51,000, जो कि राउंड नंबर है यहाँ पे। इसके आसपास थोड़ा उसके आसपास हमें यहाँ पे फिर सेलअप यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो मार्केट अगर 50,550 को ब्रेक करेगा कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद, मार्केट सीधा ही 51,000 को टारगेट करेगा। मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 50,280 को मार्केट ऊपर से नीचे ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट आएगा पहले 50,000 के आसपास, पर 50,000 को भी मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए सीधा फिर नीचे का टारगेट है 49,600, 49,600 हमारा नीचे का टारगेट है। सो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 50,500 को ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा मार्केट 51,000 के आसपास, और 50,280 को ब्रेक करता है तो हमारे लिए नीचे का टारगेट रहेगा 50,000, और उसको भी अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ से फिर बहुत बड़ा बड़ा सेलअप आ सकता है। 51,600 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 49,000 ये फिर हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, थोड़ा बड़ा टारगेट है। इसके बीच में आप 400 के आसपास भी यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट होल्ड करने का प्रयास करेगा। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये दोनों भी हो गए, तीनों भी हो गए। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज के दिन पूरा का पूरा दिन साइलेंट था, तो कल वहाँ पे अच्छा खासा रैली आने के चांसेस भी है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा रैली आने के चांसेस है मेरे हिसाब से। तो कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जा सकता है, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा फर्स्ट मॉर्निंग में, तो यही मुझे टारगेट लग रहा है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाने का ट्राई करता है निफ्टी और सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी, हम लोग मैं थोड़ा पर्सनली वहाँ पे बाइंग का ही प्लान करने वाला हूँ। गैप डाउन अगर हो गया तो वो टाइम पे थोड़ा अलग प्लान रहेगा, देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। मार्केट का थोड़ा ग्लोबली सिनेरियो भी देखना पड़ेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी वीडियो को लाइक करना, वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ पे डेली पे आपको अपडेट्स, मार्केट के अपडेट्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।